बनाते हैं। आज का हमारा है टॉपिक फ्यूज, फ्यूज इनगेटर, इनगेटर के वायरिंग। वायरिंग फ्यूज और इनगेटर का वायरिंग जो हमारे घरों में जैसे कि शॉर्ट लगता है तो फ्यूज उधिया जाता है। इनगेटर है जो बताएगा आप घर में लाइन है कि नहीं है, बोर्ड में लाइन है कि नहीं है। इसका हम सिंपल मतलब भी सिंपल है, जैसे दो दो सिर्फ एक इनगेटर एक फ्यूज है। फ्यूज आपका फ्यूज से यही काम है, फ्यूज जब घर में शॉर्ट लगेगा तो फ्यूज उधिया जाएगा। हाँ, इनगेटर काम है जब घर में लाइन रहेगी आएगी, मैंने बोर्ड में जब लाइन आएगी बिजली आएगी तो बताएगी लाइन है। इसका कैसे कैसे वायरिंग करेंगे हम आपको बताएंगे ड्राइंग द्वारा, आप इसमें समझ लेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे तार कैसे कैसे गुजारना है। जो रेड है प्लस का और ब्लैक है माइनस का है, और जहाँ 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 रेड जाएगा ये प्लस है, इस प्लस को घुमाएंगे जहाँ जहाँ, ऐसे ही आपको भी कहीं करना होगा तो घुमा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। और समय गंवाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आरसी इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल। ठीक है, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बताइए कैसा वीडियो लग रहा है आपके। अच्छा से अच्छा वीडियो हम बनाएंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्यूज, दो फ्यूज बनाएंगे, फ्यूज और इनगेटर। फ्यूज इनगेटर हो गया, फ्यूज है। फ्यूज बाद में सिंबल इसको बताएंगे, पहले बनाने के बाद कौन की क्या है। हाई इनगेटर है, इनगेटर में जो तो पॉइंट रहेगा फ्यूज, ये फ्यूज आपका प्लस रहेगा, फ्यूज ये प्लस है आपका फ्यूज, ये न्यूटन है, ये कभी डायरेक्ट न्यूटन आगे सीधे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इनगेटर को जलाने के लिए माइनस प्लस दोनों चाहिए, इसमें माइनस प्लस दोनों चाहिए। और इसको माइनस प्लस को तो ये माइनस ये है, माइनस के सम सिंबल माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो प्लस को हम देंगे इसको माइनस को जो देंगे। इनगेटर है ये भी बॉल टाइप का होता है, मैंने बॉल इसको इसमें हम दे देंगे, जलने लगेगा। अब इसको हम सो इसको स्विच, एगो स्विच और एक बॉल, इससे पहले हम क्या क्या चीज़ लगाएंगे सामान, इस सामान के बारे में हम लिख लेते हैं। सामान ये सामान लिखते हैं। सामान नंबर वन फ्यूज चाहिए, फ्यूज एक चाहिए एक पीस। दूसरा काम है इनगेटर, एक चाहिए इनगेटर एक चाहिए। तार तो सबसे पहले जरूर चाहिए, तार तो हर चीज़ में चाहिए। तार आप कितनों mm लगा सकते हैं, चाहे 1.5 mm, 2.5 mm या 4 mm, जितना आपको mm आपके जहाँ भी वायरिंग ऐसे कर सेम सिंपल ऐसा ही वायरिंग होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे मोटा कितनों mm तार आप लगा सकते हैं, कितनों mm तार लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। लेकिन जो वायरिंग होगा सेम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 mm का फिलहाल बताएंगे आपको, फ्यूज इनगेटर तार और क्या चाहिए, एगो लैंप चाहिए, लैंप यानी बॉल का सिंबल बनाते हैं ऐसे, बॉल स्विच, एक स्विच चाहिए,
स्विच फ्यूज इंडिकेटर तार लैंप स्विच ठीक है दोस्तों, हम आगे बताएंगे और भी क्या क्या चीज़ लगेगी जो लगेंगे हम बताएंगे आपको। चलिए हम शुरू करते हैं हम आगे का प्रक्रिया। अब हम कैसे कैसे ये तो सामान हमारा हो गया, ये सामान ये टोटल मेरा ये सामान हो गया, ये हमारा सामान है। इतना सामान आपको चाहिए इस करने के लिए, इन्वर्टर करने के लिए। ये हमारा माइनस जो है ये प्लस है, ये प्लस है जो जुड़ा रहेगा इसमें तार में। अब इसको प्लस में हम इसको बॉल बनाना है, बॉल में हमको कनेक्ट करना है। तो सीधे इसको हम फ्यूज मिलाएंगे, इसमें फ्यूज नहीं गलत सॉरी स्विच में, स्विच में सीधे स्विच में करेंगे। सीधे पहले इसको स्विच के यहाँ पर यहाँ बनाएंगे स्विच, सीधे इसके लिए स्विच में हम मिला देंगे। अब इसमें से यहाँ पर एक बॉल बना लेंगे, बॉल हो गया। अब बॉल को माइनस प्लस, प्लस को लेकर इसमें प्लस में से तार जो होगा होल्डर का जो तार होगा ऐसे लेकर जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस जो है माइनस हम यहाँ से उठाकर सीधे लाकर इसको में से जोड़ देंगे। जब हम स्विच ऑन करेंगे, जब यहाँ फ्यूज का तार जो हो थीप तार जो बांध देंगे, फिर जब तार बांध देंगे ये बांध ये जब इंडिकेटर रहेगा, इंडिकेटर माइनस प्लस जुड़ा रहेगा, जब जैसे स्विच दबेंगे ये हमारा बॉल जल जाएगा, ये हमारा बॉल जलने लगेगा आराम से। ये हमारा है इंडिकेटर, इंडिकेटर और स्विच, स्विच फ्यूज बॉल वायरिंग ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ बताने वाले हैं इंडिकेटर और फ्यूज के बारे में, जो ये हमारा टॉपिक है, हमारा इसी पर टॉपिक है इंडिकेटर और फ्यूज के बारे में। इंडिकेटर फ्यूज कैसे लगाएंगे, बाकी जो स्विच बॉल है इस पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो यहीं तक, हम बस हम मानते होंगे आप समझ गए होंगे, नहीं तो फिर दोबारा समझाते हैं। जो प्लस है फ्यूज में लगा जोड़ देंगे, जो प्लस जो है फ्यूज प्लस का प्लस है तार है, ये तार है एगो जो रहता है स्विच का, मैंने जो फ्यूज का दो एक भाग होता है नट बल्टू, उसमें खोल कर कस देंगे तार को। और जो फ्यूज का होता है फ्यूज निकाल के उसमें तार बांध देंगे, जब आपको एगो तार बांधना हो तो एगो बांध दीजिए, दो को बांध दो को बांध दीजिए, उसके बांधने के बाद अब उसको तार को एक तार बांध दें, एक जो नीचे वाला होगा नट बल्टू होगा उसमें खोल कर वो तार कस देंगे। सीधे इसको लेकर हम यहाँ सीधे स्विच में वो जोड़ देंगे, स्विच में जोड़ने के बाद जोड़ देंगे उसके बाद ये स्विच हो गया, इस नट बल्टू कस दिए, उसके बाद ये ऊपर वाला जो भाग है ऊपर वाला भाग लगाकर सीधे हम एक बॉल में जोड़ देंगे, यानी तार में जोड़ देंगे, उसको जोड़ देंगे माइनस को सीधे डायरेक्ट लगा जोड़ देंगे। उसके बाद जैसे स्विच दबेंगे बॉल जलने लगा। इंडिकेटर की बात है तो इंडिकेटर माइनस प्लस दोनों चाहिए, माइनस ऊपर से तो मिल गया, प्लस यहाँ से किसके यहाँ पर जोड़ देंगे आराम से इंडिकेटर आपका जलने लगा। अगर आप भाई तार नहीं जोड़ते हैं तो इंडिकेटर का तार बॉल नहीं जल पाएगा ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। हमारा यूट्यूब चैनल है इलेक्ट्रीशियन राहुल आरसी इलेक्ट्रीशियन, मेरा नाम पड़ेगा राहुल चंद पड़ेगा। आपको वीडियो कैसे लगा संपर्क मैसेज कर बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।